किसानों की आय दुगुनी हो, दुगुनी क्या हुई, डंडे पड़े ऊपर, ये पता नहीं था कि जो कहते हैं उसको समझना दूसरे तरीके से। पहले हम लोग तो आठ आने का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाते थे, और अब 50 रुपये, और भोपाल में तो वहाँ तो पूरा प्राइवेट ही कर दिया। एयरपोर्ट पर जो CISR था वो आधा हो चुका है, अब वहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में आधे स्टाफ ठेके पर हैं, तो सब कुछ ठेके पर है, तो सरकार का काम क्या है? बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से तो आप पैसा ले रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और बीफ के नाम पे अखलाक जुनैद पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। साथियों, संविधान एक आदर्श रूप है, उसको प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, सरकारें होती हैं, कई संवैधानिक संस्थाएं होती है, और चुनाव के दरमियान जब राजनीतिक दल आपके पास आते हैं तो यही वादा करते हैं। सवाल यह है कि 10 साल से 2014 से 24 हमारा काम सरकारों का गुणगान करना नहीं है, उसके पहले भी जो सरकारें थी, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं जितना वर्ष में है, उस समय कपिल सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे और 4-year degree कोर्स लेकर आए थे, तो उस समय भी हम लोग लड़े ही थे सड़क पे, क्या विकास साहब, ठीक है ना। तो एक एकेडमिशियन, एक रिसर्चर, एक जर्नलिस्ट का काम सरकार का हम यहाँ मिलाना, गुणगान करना नहीं है, उसकी समीक्षा करना है। 14 के पहले एक बड़े अवधि तक कांग्रेस शासन में रही, उसके बाद बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता दल की सरकार बनी, और अभी पिछले 10 साल से BJP प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में, और 10 साल से हम लोगों ने कई जन आंदोलनों को देखा है कि उन्होंने जब वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, टैक्स, वो वीडियो मैंने देखा इलेक्शन के पहले 14 के, कि इतना प्यार से मीठा मीठा बोल रहे हैं मोदी साहब कि जो टैक्स हेवन का पैसा है, जो मैं कह रहा हूँ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि मोदी ऑन टैक्स हेवन, कि टैक्स हेवन का पैसा विदेश से लाएंगे और जो हमारे ईमानदार अधिकारी ऑफिसर लोग हैं उनको 10%, उसका 10-15% उनको पुरस्कार स्वरूप देंगे। ऐसे लग रहा है राजा कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, पुरस्कार स्वरूप मिल रहा है। हुआ उल्टा कि पहले प्रोविडेंट फंड में, मैं चूंकि सरकारी नौकरी में हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता था, मोदी साहब आए टैक्स लगा दिए। पहले था कि अपने सैलरी से 10% ज़्यादा भी जितनी मर्जी हो आप कटवा सकते थे, 50,000 भी कटवा सकते थे प्रोविडेंट फंड में, अब है कि साल में 5 लाख से ज़्यादा नहीं कटवा सकते, तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास जो सहारा था एक पेंशन और दूसरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो भी दोनों जो है, तो ये वादा था उनका कि टैक्स सेवन कर लेकर आएंगे। किसानों की आय दुगुनी हो, दुगुनी क्या हुई, डंडे पड़े ऊपर, ये पता नहीं था कि जो कहते हैं उसको समझना दूसरे तरीके से। विश्व गुरु बनेगा, एक भी विश्वविद्यालय मुझे नहीं लगता है कि खुला है, यूनिवर्सिटी का जो हाल है और एजुकेशन का जो हाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिया है उसमें विकास साहब को हम लोग सुनेंगे, तमाम मजदूर किसान पूरे संगठन, 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले हम लोग तो आठ आने का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाते थे प्लेटफॉर्म पे, और अब 50 रुपये, और भोपाल में तो वहाँ तो पूरा प्राइवेट ही कर लिया, रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, पार्लियामेंट के और स्टाफ, नीचे के स्टाफ प्राइवेटाइज हो चुके हैं, एयरपोर्ट पर जो CISR था वो आधा हो चुका है, अब वहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में आधे स्टाफ ठेके पर हैं, तो सब कुछ ठेके पर है, तो सरकार का काम क्या है? ये मैं पहले आग्रह करूंगा कि सब लोग इसको रिलीज कर लें पत्रिका को, और जो घोषणा पत्र है जनता का, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा सभी साथियों से सुनेंगे। DN साहब,
दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास है, पॉलिटिकल पार्टी तो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र, जनता का घोषणा पत्र, चिकित्सा, महंगाई, रोजगार, तमाम सवाल पर डीएन सिंह साहब हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट हैं, ये इनके दिमाग की उपज है और कई संगठन का सहयोग लिया गया है। अखिल भारतीय किसानी प्रतिष्ठा मंच, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विजय बंधु साहब है, ये हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, मिशन जय भीम, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट, नेशनल मूवमेंट टू सेव पब्लिक सेक्टर, कि ये ऐसा नहीं है कि घर में बैठकर और अपने मर्जी से लिखा गया दस्तावेज है। बेसिकली हम लोगों ने फील्ड में जो अनुभव किया है, जैसे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा तो हमने जो अनुभव किया, किसानों के बीच जो अनुभव हुआ, युवाओं के बीच जो अनुभव हुआ, जो बातचीत हुई, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन, इन लोगों से बातचीत करके जो अनुभव आया, डीएन सिंह साहब ने उसको पूरा तरीके से लिपिबद्ध किया। उसमें थोड़ी सी भूमिका हमारी रही, तकनीकी सहयोग जो है वो अमर है, यहाँ पे रहे और बाद में ये एक मूर्त रूप ले सका। इसको आप सबके हाथ में, इसको विस्तार से पढ़िएगा और बेसिकली ये सरकार के 10 साल के कार्यों की समीक्षा है कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से तो आप पैसा ले रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, और बीफ के नाम पे अखलाक जुनैद पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। तो ये 10 साल की समीक्षा है, जब हम समीक्षा करते हैं तब कुछ और आगे हम क्या करना चाहते हैं, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाएंगे, लीडर्स को भी जाएंगे, तो उससे रास्ता निकलता है। चुनाव की सरगर्मी तेज है, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था जो काफी चर्चा में है, सत्तारूढ़ दल एक अलग नजरिए से देख रहा है और सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने सरसरी निगाह देखा है, काफी हद तक एक बेहतरीन घोषणा पत्र है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।